नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हिनय कुमार सोनकवड़े है और मैं फिलहाल सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसका नाम अभी जीएसटी इंस्पेक्टर है, और इस पद पे 2017 जून 2017 से कार्यरत हूँ और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2015 के एग्जाम थ्रू से हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बच्चे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या एसएससी सीजीएल के थ्रू उनकी मनचाही पोस्ट पाना चाहते हैं, उनको कोई प्रेरणा मिले, उनको मोटिवेट हो और वो अपनी पोस्ट पाने में कामयाब हो पाए। और मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट ये पोस्ट देख रहे हैं, वो हर एक स्टूडेंट अपनी मनचाही पोस्ट अवश्य पाए, अवश्य प्रिपरेशन करे, मेहनत करे और वो अवश्य वो पोस्ट को पा ले। मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है, आप मेहनत कीजिए, आपको पोस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे सुकृत भूषण सर ने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट किया था, जो मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे सर है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी अनुभव है इस एग्ज़ाम के साथ और इस पोस्ट के साथ, ये सारी प्रोसेस की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मैंने 2004 में HSC साइंस मतलब 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद घर में कुछ कौटुंबिक समस्याओं के कारण मैंने एजुकेशन डिसकंटिन्यू करी, बट 2006 में मैंने एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा था इंडियन नेवी का, जहाँ पे ग्रुप डी पोस्ट थी, एमिनेशन रिपेयर लेबर। वो एग्ज़ाम मैंने इजीली मतलब मुझे उसमें से जॉब मिल गया। वहाँ मुझे इनिशियल पेमेंट थी लगभग 4,500 रुपये और मेरे साथ लगभग 55 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइनिंग किया था। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरे साथ जितने लोगों ने ज्वाइन किया था, मोस्टली उसमें से आउट ऑफ अदर स्टेट के स्टूडेंट बच्चे थे, तो उसमें से लगभग 8 से 10 लोगों ने पहले साल ही जॉब छोड़ दी। अब ये जॉब छोड़ी इसलिए कि उन्हें कहीं और अच्छी जॉब मिली, रेलवे में हो सकता है या उनके स्टेट सिविल सर्विस में या तो किसी अच्छी पोस्ट पे, क्योंकि ये जो नेवी की जॉब थी ये वो हमारी जॉब थी उरन में और मैं रहता था कुर्ला में, तो लगभग 4.5 से 5 घंटे आने जाने के लिए रोज हमें लगते थे, क्योंकि हमें ट्रेन, बस और शिप, ये तीनों साधनों से रोज ऑफिस पहुंचना पड़ता था। तो मैंने देखा कि यार ये लोग तो निकल गए, अब वो उनमें से कुछ जो निकल गए वो अच्छे पढ़े लिखे थे, डबल ग्रेजुएट थे। तो फिर अगले साल फिर से ये दौर आया, फिर से कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग हमारे ही डिपार्टमेंट में अच्छे पोस्ट पे लग गए। तो मैंने सोचा यार ये सब कर पा रहे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं क्यों ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं BSc करूंगा इग्नू से, बट किसी कारणवश वो BSc की एजुकेशन मेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसकी जो बुक्स आती थी वो बहुत सारी बुक्स आती थी और मैं पढ़ नहीं पाता था। तो फिर 2009 में मैंने निर्णय लिया कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए तो पात्रता जो है ग्रेजुएशन है। तब तक मुझे SSC CGL के बारे में कुछ भनक नहीं थी, कुछ पता नहीं था। अगर ये पता या वो भनक मुझे पहले होती 2004 में या 2007 में, तो मैं बहुत पहले SSC CGL एग्जाम क्लियर कर लेता या कुछ कर लेता अपने भविष्य के लिए। तो मैंने 2009 में BA के लिए एडमिशन लिया मुंबई यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस एजुकेशन से, जिसको मैंने 2012 में क्लियर कर लिया, मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई 2012 में। और साथ ही में मैंने SSC CGL की एग्जाम देने शुरू करे थे SSC CGL 12 से। तो SSC CGL 12 में मुझे प्री में मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो प्री में मैं आउट हुआ, क्योंकि प्रिपरेशन ही नहीं थी, जस्ट ऐसे मुंह उठा के फॉर्म भर दिया और एग्जाम को चले गए। कुछ प्रिपरेशन नहीं, कुछ पता नहीं कि सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, कैसे है, कुछ नहीं। सिर्फ गए, एग्जाम दिए, जो क्वेश्चन आ रहे थे छुड़ाए, उससे कुछ मार्क मिले, मार्क मिल रहे थे 50-55 मिल रहे थे, बट 50-55 से तो काम नहीं होगा ना एग्जाम में। तो फिर मैंने SSC CGL में 13 में भी एग्जाम दिया, तो वहां मैंने प्री निकाला, थोड़ी पढ़ाई शुरू करी थी, एक दो बुक मैं लेके साथ में सफर करते वक्त पढ़ लेता था या फिर घर पे पढ़ लेता था, बट उससे भी काम नहीं होने लगा। मैंने प्री भी निकाल लिया, मेंस भी मैंने दिया, बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है उसमें तो कहीं नाम का आता पता नहीं था। तो फिर मैंने एक अच्छी बात यह हुई कि 2014 में मुझे सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ एंड ऑफ हिल एरिया में, तो मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम था वो लगभग 1.5 घंटा बच गया टोटल टाइम।
तब मैंने सोचा कि अगर ऐसे में पढ़ता रहा और ऐसे ही एग्जाम देता रहा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है और अपने हाथ से सब निकल जाएगा। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरी पढ़ाई 2004 में छूटी है और अभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरा जो एजुकेशन या टच है वो पूरा छूट चुका है, मेरे कंसेप्ट या फिर जो कुछ मैं जानता था वो सब अभी जीरो हो चुका है। तो मुझे फिर से कुछ कोचिंग या ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, तब मैं कुछ कर पाऊंगा या फिर जो अभी मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा। तब मैंने 2014 में प्लैनेटी नाम का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दादर में, वो ज्वाइन किया। वहाँ उन्होंने मुझे 3 महीने ट्रेनिंग दी, कुछ कंसेप्ट उन्होंने सिखाया। वहाँ दिक्कत यह है कि बैंकिंग पीओ और एसएससी सीजीएल या फिर सारे लोगों को मिला के एक ही बार पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से, हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे, बट स्पेसिफिक सीजीएल की तैयारी मुंबई में होती नहीं या फिर वहां नहीं दी गई। तो 3 महीने बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ट्रेनिंग हो गया है, अब मेंस का तैयारी के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ाया गया, आपको जो प्री में पढ़ाया है वही क्वेश्चन मेंस में आएगा, इंग्लिश और मैथ्स ही है, और जो हमने तो प्री में पढ़ा ही दिया, तो हम तो चलो ठीक है बोला। उसके बाद अच्छा ये हुआ कि मैं फेसबुक के माध्यम से एसएससी सीजीएल टायर 2 ग्रुप से जुड़ गया। ये ग्रुप इतना बढ़िया था, इतना एक्टिव था, यहाँ पे डेली बेसिस पे सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन पोस्ट होते थे, ट्रिक्स पोस्ट होते थे, सॉल्यूशन भी पोस्ट होते थे। लोग सिर्फ आंसर नहीं करते थे, अगर हम सॉल्यूशन मांगते तो सॉल्यूशन भी मिलता था, उसकी ट्रिक भी मिलती थी, उसकी एक नहीं तीन तीन चार चार ट्रिक मिलती थी, क्योंकि हर एक बंदे के पास अलग नॉलेज। कोई बंदा दिल्ली से था, कोई ऑल ओवर इंडिया से बंदे थे उसमें, तो कोई मुखर्जी नगर में ट्रेनिंग लिया है, वहां के ट्रिक को यहाँ बता रहा है, शेयर कर रहा है, नॉलेज शेयर कर रहा था, तो उससे हमारी जो मैथ्स है वो इम्प्रूव होने लगी। मैंने फिर किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की टायर 1 की बुक खरीदी और टायर 2 की भी इंग्लिश और मैथ्स की बुक खरीदी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने से खरीदे और मेरे पास लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक थी, वर्ड पावर मेड इजी मेरे पास बुक थी, बट मैं सच बताऊं दोस्तों, मैंने वर्ड पावर मेड इजी पूरी कभी नहीं सॉल्व की, मैं उसमें मेरी खामी समझता हूं, और ना लूसेंट मैंने पूरी पढ़ी। लोग तो दो दो तीन तीन बार उसको रट्टा मार देते, बट किसी कारण से मैं नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं वर्किंग था और मेरा ट्रैवलिंग में भी समय चला जाता था, और क्या है मैं पढ़ाई को छोड़ चुका था एक लंबे समय पहले, तो उससे लगाव लगा पाना थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा था। बट मैथ्स से मेरी लगाव थी, मैथ्स मेरा पहले से अच्छा सब्जेक्ट था, तो मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर करता था स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो यहाँ पे भी मुझे मैथ्स में दिक्कत नहीं आती थी। बट अभी जब ट्रिक्स मुझे पता चलने लगी तो मेरी मैथ्स इंप्रूव होने लगी थी। तो एक बात ये हुई डिसएडवांटेज, मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने लग गया मैथ्स के बारे में, मेरी जो एक्यूरेसी थी उसको मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने ओवर कॉन्फिडेंट होके जब वो मेरी एसएससी सीजीएल 15 की मेंस की एग्जाम थी, वहां मैंने 7 तुक्के लगाए जो जरूरी नहीं थे, और जो 7 क्वेश्चन मैंने सही छुड़ाए थे उसके गोले मैंने गलत लगा दिए। ओवर कॉन्फिडेंस में, एक्यूरेसी पे ध्यान न देते हुए या फिर हड़बड़ी में, जिसके चलते मेरा स्कोर अच्छा खासा कम हो गया, और मैंने मैथ्स के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान ही दिया। रीजनिंग का तो कोई सवाल नहीं था, रीजनिंग आता था, अच्छा स्कोर हो जाता था, 40-45 मिल जाते थे। जीके की बात ये थी कि 15-20 मार्क मिल जाते थे बगैर पढ़े, तो ज्यादा दिमाग उसमें भी नहीं लगाया था प्री में। बात ये थी इंग्लिश को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था भगवान भरोसे, और इंग्लिश में होता यह था कि मैंने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, जैसे कि मैं ऑफिस से जब आता था 7 बजे काम से, जिस दिन मेरी कोचिंग होती थी तो वहां तो कोचिंग जाता था सोमवार बुधवार शुक्रवार, पर बचे हुए दिन मैं घर पे एक मॉक टेस्ट लगाता था और छुट्टी के दिन मैं दो दो मॉक टेस्ट लगाता था। तो मॉक टेस्ट तो मैंने इंग्लिश के भी लगाया, मैथ्स के भी लगाया, बट मैंने उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है या फिर उसका जो एक्चुअल ये है टॉपिक वाइज जो पढ़ना था वो मैंने नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ मॉक लगा रहा था, किसी तरह से कुछ मार्क्स आ रहे थे 120, 110, 120, 110, मैं उसी में संतुष्ट था। मैथ्स में मेरे अच्छे आ रहे थे 150, 155, 160, किसी किसी मॉक टेस्ट में 170, 175 आ रहे थे, तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, जो मुझे नहीं होना चाहिए था। अगर मैं सही से उस मेंस में अगर अच्छे से परफॉर्म करता तो मुझे शायद आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलता। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए,
कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते वक्त सारे सब्जेक्ट उतने ही अहमियत इम्पोर्टेंस रखते हैं और हमें सारे सब्जेक्ट को उसी हिसाब से पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट की जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो हमारे मेरिट पे करेगी। ये मेरी आपको सलाह है। दूसरी बात, सर ने ये बोला है कि मेरा इंस्पिरेशन कौन था इसके लिए। इंस्पिरेशन तो बहुत से लोग थे, मैं खुद कुछ करके दिखाना चाहता था क्योंकि मैं ग्रुप डी पोस्ट में था वहाँ पे और मैं सभी लोग बोलते थे कि आप बहुत होशियार हो, बट होशियारी का कुछ मतलब नहीं अगर आप उधर जाके चपरासी बने हो। तो फिर मैंने इसके लिए ग्रेजुएशन किया और एग्जाम दे रहा था, तो दो मेरे भाई जो है, मेरे भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, वो मेरे मोटिवेशन थे। उन्होंने हर समय मेरी मदद की है, हर समय मुझे बुक्स के लिए, हर चीज के लिए मुझे प्रेरित किया है, एग्जाम दो, पढ़ाई करो, अच्छा कुछ बनो। और मेरे ऑफिस में, जो नेवी के ऑफिस में मेरे सर थे, एके मंडल, जो 2012 में एंड में नवंबर 12 में वो दिल्ली से मुंबई में पोस्टिंग आया और मैं उन्हीं के साथ काम करने लगा, जो एडिशनल जनरल मैनेजर थे नेवी में, उनके साथ मैं काम करता था एज एलडीसी। तो वो एयरफोर्स से आए हुए, पहले वो एयरफोर्स में काम करते थे, तो वो डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही सख्त थे, जिसके चलते मुझे उन्होंने बहुत डांटा, सभी को डांटा ऐसे नहीं है, बट मुझे कुछ पॉजिटिव या फिर मुझ में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए उन्होंने हर प्रयास किए और मुझे वो हर बार प्रेरित करते थे, अरे सोनकावड़े तुम कुछ करो, तुम पढ़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उन्होंने पढ़ाई के मामले में मुझे किसी तरह का पाबंदी या फिर किसी तरह की रोकधाम नहीं लगाई, उन्होंने बोला आप ऑफिस का काम करो, बाकी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। और उन्हीं के मेहरबानी से या फिर उन्हीं के प्रभाव से मुझे क्वार्टर भी एंटॉपिल में मिला और जिसके चलते मैं कोचिंग ज्वाइन कर पाया और कोचिंग ज्वाइन करते करते मैं ये पढ़ाई पे ट्रैक पे आ गया। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि नोट्स मैंने बनाए कि नहीं, नोट्स मैंने मैथ्स के अलावा किसी सब्जेक्ट के नहीं बनाए, जो कि मैंने बनाने चाहिए थे, बट मैंने मैथ्स के अलावा किसी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए और मैथ्स के अलग से नोट नहीं बनाया। जो मैं सॉल्व करता था मेरे पास सॉल्यूशन के साथ में रखा रहता था, जो कि मुझे किसी को शेयर करना हो तो मैं उसको कर देता था। मेंटली प्रिपेयर कैसे हुआ, मेंटली प्रिपेयर ये था कि मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो परिवार की वो वीक थी और अगर मैं कुछ नहीं हासिल कर पाऊंगा तो इसी हालात में चलते रह गए। मैं परिवार में मैं अकेला लड़का हूं, मेरे तीन सिस्टर है, तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं कुछ कर पाऊंगा तो मैं खुद अपने पैर पे खड़ा हो पाऊंगा, मैं मेरे सिस्टर या मेरे रिलेटिव है या मेरे माँ पिताजी है उनकी सेवा मैं कर पाऊंगा। तो ये मेरा फोकस था कि मुझे कुछ खुद के लिए करना है, ये एग्जाम हो। और उस एग्जाम के पोस्ट के बारे में मेरे को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना मैंने उस पर ध्यान दिया, मैंने ये ठान लिया था कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। इजी सब्जेक्ट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, मेरा मैथ्स इजी सब्जेक्ट था, रीजनिंग था और इंग्लिश मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट था क्योंकि मैं वर्नेकुलर मीडियम से था, मेरा बीच में पढ़ाई छूट चुकी थी और कुछ पता नहीं था इसके लिए, थोड़ा डिफिकल्ट था और मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए ध्यान नहीं दिया, अगर मैं ध्यान देता तो अच्छा स्कोर कर पाता। स्ट्रैटेजी मैंने ये अपनाई कि कोचिंग के समय तो कोचिंग अटेंड करता था, उसके बाद जो असाइनमेंट होती थी वो कर लेता था। मैं न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मैं रोज पढ़ता था लगभग 1.5 से 1 घंटा ट्रैवलिंग में, और उसमें जो स्पेलिंग या वर्ड्स मुझे नहीं आते थे वो मैं मोबाइल के यूज थ्रू, गूगल थ्रू उसको, उसकी मीनिंग या उसके वर्ड देख लेता था और उसको नोट डाउन भी कर लेता था, उसको अंडरलाइन करके उसको नोट डाउन भी कर लेता था। और कोचिंग खत्म होने के बाद, जो 3 महीने की मेरी कोचिंग थी वो खत्म होने के बाद, मैंने डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाया है घर पे आने के बाद, लगभग 7:30 से 9:30 बजे तक रोज मैं मॉक टेस्ट लगाता था प्री के, और मेंस के भी मैंने उसी तरह से मॉक टेस्ट लगाया। और छुट्टी वाले दिन मैं 2 मॉक टेस्ट लगाता था, उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं, बाकी तो मैं फेसबुक पे जो क्वेश्चन आते थे वही छुड़ाता था और उसी में लगा रहता था, बाकी मैंने कुछ किया नहीं। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा अनुभव था और मैं आप सभी को
चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने जो ड्रीम जॉब है या फिर आप अपने करियर में जो कुछ पाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्रू, वो अवश्य पाए, और उसके लिए मेरी आपके शुभेच्छा है, मनोकामना है, धन्यवाद।